नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्याज की बढ़ती कीमतों को देख सरकार ने लिया अहम फैसला, अब होंगे प्याज सस्ते। दो गायें खरीदने पर 80,000 रुपए की सहायता, योगी सरकार ने बनाया प्लान। कार्बन क्रेडिट से पैसा निकालने के लिए तैयार हुआ नंदीरथ, तकनीक को मिला ग्लोबल पेटेंट। रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर बंधेगी धान की राखी, किसान के नाम पर रखा गया नाम। पराली से किसानों की आय बढ़ाएगी सरकार, प्रदूषण पर भी लगेगी लगाम। अब खबरें विस्तार से। सरकार ने प्याज की कीमतों पर नियंत्रण रखने और आम जनता को राहत देने के लिए 40% निर्यात शुल्क लगा दिया है, लेकिन सरकार की इस कार्रवाई से प्याज व्यापारी और उत्पादक परेशान हो गए हैं और हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार ने ये कदम उठाया है ताकि प्याज के निर्यात को नियंत्रित किया जा सके। टमाटर का रिकॉर्ड बनाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। सरकार ने आदेश दिया कि प्याज खरीदने के लिए अहमदनगर और नासिक में अलग अलग स्थान बनाए जाएंगे। इसके अलावा अब महाराष्ट्र की प्याज मंडियों में हड़ताल लगभग समाप्त हो गई है। किसानों और व्यापारियों को केंद्रीय मंत्री भारती पवार ने आश्वासन दिया कि हड़ताल वापस ली जाएगी। साथ ही वित्त मंत्रालय ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया था, जो कि कीमतों में वृद्धि की आशंका के बीच घरेलू उपलब्धता को बढ़ाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पशुपालन आय का सबसे बड़ा सोर्स उभर कर सामने आया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण गाय और भैंस द्वारा अपनी कमाई में इजाफा कर रहे हैं, और इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना की शुरुआत की है। सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार ने गोपालक द्वारा दूसरे प्रदेशों से सहीवाल, थापरकर, गिर और संकर प्रजाति की गाय खरीदने पर उन्हें ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस और पशु इंश्योरेंस समेत अन्य मुद्दों पर खर्च होने वाली धनराशि पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। ये सब्सिडी गोपालकों को अधिकतम स्वदेशी नस्ल की गायों पर खरीद पर दी जाएगी, और इस आधार पर गोपालकों को कुल व्यय धनराशि का 40% यानी 80,000 रुपए तक दिया जाएगा। पहले चरण में ये योजना प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय के जनपदों में लागू की जाएगी, और इसके बाद इसे प्रदेश में भी सभी जनपदों में लागू किया जाएगा। भारत आने वाले समय में कार्बन क्रेडिट का सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है, और भविष्य के इस बाजार को देखते हुए कार्बन क्रेडिट के क्षेत्रों में सक्रिय कंपनियां भी भारत का रुख अख्तियार करने लगी है। ऐसी ही एक कंपनी ने नंदीरथ बनाने वाले पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह से भी संपर्क किया है। पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद शैलेंद्र सिंह ने नंदीरथ का निर्माण किया। नंदीरथ पर बैलों के माध्यम से बिजली का उत्पादन और खेतों की सिंचाई की जाती है। नंदीरथ में लगे हुए गियर बॉक्स को अब ग्लोबल पेटेंट मिल चुका है। 31 मार्च 2023 को नंदीरथ का गियर बॉक्स को ग्लोबल पेटेंट मिलते ही कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में काम करने वाली विदेशी कंपनियां सक्रिय हो गई हैं, और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के क्षेत्र में नंदीरथ एक बड़ा माध्यम बनेगा। नंदीरथ से किसान बिजली ही नहीं पैदा कर सकते, बल्कि सिंचाई, चारे की कटाई और आटा चक्की भी चला सकते हैं। इन कामों के माध्यम से पैदा होने वाले कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की कमाई भी होगी। पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह का कहना है कि एक नंदीरथ के माध्यम से किसान हर साल कार्बन क्रेडिट के माध्यम से 1.5 से 2 लाख रुपए तक की कमाई कर सकता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। जांजगीर जिले में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है, और इससे लेकर नई सोच के साथ धान की बलियों से राखी बनाई जा रही है। जिले की बेटी नंदिनी बघेल ने कलात्मक विचार से धान की राखी बनाई है, जिसकी लोग खूब सराहना कर रहे हैं। इस रक्षाबंधन के मौके पर भाइयों की कलाई पर धान से बनी राखियां देखने को मिलेंगी। नंदिनी ने कहा कि धान से राखी बनाने के लिए बाजार में केवल रिबन और रंग की खरीद की है। एक राखी को बनाने में मेहनत और समय बहुत लगता है, इसलिए उन्होंने बाजार में एक राखी की कीमत 50 रुपए रखी है। धान से पहली बार 500 राखी बनाई गई है। नंदिनी ने कहा कि इसमें धान के अलावा चावल, मोती, कोड़ी और स्टोन से खूबसूरत रंग बिरंगे धागों से सजी राखियों का निर्माण किया गया है। नंदिनी ने कहा कि इस साल अच्छी बिक्री होने पर अगले साल अधिक मात्रा में ये राखियां बनाई जाएंगी। हर साल फसल कटाई के वक्त पराली जलाने की समस्या गंभीर रूप अख्तियार कर लेती है। पराली जलाने से खेतों में आग लगने और प्रदूषण बढ़ने जैसी गंभीर परिस्थितियां सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने पर भी काफी फोकस किया है, और उत्तर प्रदेश सरकार बायोफ्यूल को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने पराली का उपयोग बायोफ्यूल निर्माण के लिए उपयोग करने का फैसला किया है। इसके लिए योगी सरकार किसानों से पराली खरीदेगी, और इससे किसानों की आय में इजाफा भी होगा, साथ ही प्रदूषण से छुटकारा भी मिलेगा।
आपको बता दें कि सरकार ने यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया है। दर्शकों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में ब्लिंडर्स फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाएगा, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट जरूर करें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।